आरसीएमयू यूनियन के बैनर तले सुदामडी रिक्रिएशन क्लब में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य आरसीएमयू के नेत्री अनुपमा सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय सिंह ने किया, जबकि संचालन बम्भोली सिंह ने किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन के द्वारा बाहरी मजदूर को काम लिया जा रहा है, यहाँ के मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इनको काम से बैठा दिया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध पूर्व में हमारे यूनियन के लोगों के द्वारा बंद किया गया था, जिसको टेलीफोनिक माध्यम से उनकी समस्या को हल किया गया, जिसके कारण आज बहुत से लोगों ने आरसीएमयू के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण की, जिसे अनुपमा सिंह के द्वारा माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जब जब हम लोगों को याद किया जाएगा, हम उपस्थित होंगे एवं यहाँ के लोगों की समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार ने भी कहा है कि 75% स्थानीय लोगों को पहले नौकरी दिया जाए, उसके बाद ही आप बाहर से लाकर दीजिए, तो उस बेस पे ही चलेगा। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी और उस पर जरूर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, मैं इन सभी के साथ हूँ। मुझे हमारे भाई बम्भोली जी ने 5 दिन बाद फ़ोन किया, अपने धरना के 5 दिन बाद, और आधे से 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसे पूरा करने का काम किया, और उन लोगों ने वादा भी किया है कि लोगों को काम भी देंगे, साथ में बोनस भी देंगे, आगे यही चलता रहेगा।